फिल्म सिटी की जरूरत को बताया और वो कई बार कहते थे और हम भी बात पहले सुनते थे कि फिल्म सिटी आ रही है, फिल्म सिटी आ रही है, लेकिन वो कहता था कि सब मैं आपके यहां 10 साल से आ रहा और वो ये कहते हुए मुझे और ज्यादा खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान का हूं, मेरे पूर्वज राजस्थान से गए और मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर मैं फिल्म सिटी लगाने का काम करूं। तो मैंने कहा कि आप आइए राजस्थान में, आप लगाइए। मैंने मेरे अधिकारियों को तुरंत कहा कि आप मेरे पास वो ऑफिस में लगभग 1 बजे मेरे पास पहुंचे, उस दिन मेरी कैबिनेट भी थी। मैंने हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया, कहा कि भाई इनको जमीन दिखाइए, मैं आपको कहना चाहता हूं। 1 बजे वो जमीन देखने गए, 4 बजे मेरी कैबिनेट थी, 6 बजे वो लौट करके आए। जैसे ही मेरी कैबिनेट का मीटिंग पूरी हुई तो उन्होंने उसके बाद जमीन देख करके जमीन को सुनिश्चित कर दिया। ये सालों में नहीं, ये दिनों में नहीं, ये घंटों में उनका काम हुआ। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि काम करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। मैंने राजस्थान के अंदर, जैसा हमारे मुख्य सचिव जी ने बताया कि हमने घोषणा की कि 5 साल में हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट नौकरियां देंगे। अब आप देख सकते हैं आज मेरे को 9 महीने हुए हैं, 33,000 लोगों को नियुक्ति पत्र हमने दे दिया, 33,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया। और कल ही हमने लगभग 90,000 वैकेंसी कल हमने हमारी कैबिनेट में मंजूर की है, 90,000 वैकेंसी हमने निकाली। मैं कहना चाहता हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्तियां अब लगाइए कि 60,000 वैकेंसियां निकले, ये कब से नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, लेकिन हमने तुरंत 60,000 वैकेंसी उसके लिए निकाली। 23,000 वैकेंसियां हमने हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए निकाली और लगभग 6-7 हजार के लगभग हमारी हमने हमारे जो चालक हमारे ड्राइवर जो होते हैं उनकी हमने वैकेंसी निकालने का काम किया है। और हमने कहा है कि इस साल हम सरकार के माध्यम से 1 लाख हमारे युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम हम इस साल पूरा करके देंगे।